आपका नाम क्या भैया? कहाँ से आए हैं? हुसैपुर पंचायत से। पिताजी का क्या नाम है आपका? चौधरी जी। भाई हम लोग बाबा का नाम लिखे थे। नाम क्या है आपका? झुनीलाल कुमार। पिताजी का नाम? स्वर्गीय फग्नी माथो। कहाँ के निवासी हैं आप? गौरा पंचायत वार्ड नंबर 8 सुलेमान छपरा जी। साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय दिव्यांग समूह की बैठक पीडब्ल्यूडी संघ के सौजन्य से दिनांक 4 जून 2022 को आयोजित की गई। वहीं दिव्यांगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। घंटों खड़े रहे प्रखंड परिसर में दिव्यांग समूह। कार्यक्रम के आरंभ में विलम्ब होने के कारण दिव्यांग समूह एवं उनके परिजन में दिखा आक्रोश। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी ने कहा कि सभी पंचायत से दो दो दिव्यांग ही आने थे। अधिक आने के कारण व्यवस्था चरमरा गई। साहब क्या बोले फॉर्म देके? इसको भरने के लिए फॉर्म भरने के लिए बोले। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, पंचायत नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, पढ़ाई लिखाई भरना है, साक्षर करना है। नाम क्या है आपका? राम बाबू कुमार। कहाँ के रहने वाले? दरिया छपरा पार्क पंचायत। अच्छा, कोई दिव्यांग आपके साथ आया है क्या? भाई है मेरा। भाई है, क्या नाम है उनका? लाल बाबू महतो। अच्छा, उम्र कितना होगा उनका? उम्र 21 साल। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कमिश्नर तिरहुत सह दिव्यांग कमिश्नर डॉक्टर शिवाजी कुमार की उपस्थिति में दिव्यांग समूह की बैठक संपन्न हुई। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मनरेगा पीओ राजेश कुमार, सांसद प्रतिनिधि राम नरेश मालाकार आदि उपस्थित थे। बैठक में प्रखंड स्तरीय दिव्यांग समूह का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष राजेश कुमार रमन, महासचिव राजू बैठा, उपाध्यक्ष पंकज कुमार, सचिव लाल बाबू महतो, संयुक्त सचिव सुनील कुमार गौरा पंचायत वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 1, मीडिया प्रभारी राजेश रोशन, सूचना प्रभारी रमेश शाह, महिला प्रभारी निर्मला कुमारी, आरटीआई कोषांग प्रभारी जितेंद्र कुमार, रोजगार प्रभारी अविनाश कुमार एवं डीपीओ गुलाब हुसैन चुने गए। देखिए रिपोर्ट। समस्या है उस समस्या तक हम लोग कैसे पहुंच सके हैं, यही पीडब्ल्यूडी का लक्ष्य कि आपके सहयोग से आपकी मदद लेकर के एक अंतिम कड़ी के दिव्यांग जन तक हम सब पहुंच सके और उनको सेवा दे सके। तो बंधुओं, आप सबके बीच मैं आ रहा हूं, थर्मल में आपका नाम लूंगा, एंट्री करूंगा, जब तक राज्य उपाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी संघ श्री हृदय यादव सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। सरकारी योजना इस समूह जो आज समूह बनाई जाएगी, इस समूह के माध्यम से आपके पास कैसे कैसे पहुंच सकती है और आगे पीडब्ल्यूडी का क्या लक्ष्य है,
बिहार के 534 प्रखंड में यह कार्य चल रही है। तो आइए मैं अपेक्षा करता हूँ आप धैर्य पूर्वक सुने राज्य उपाध्यक्ष श्री हृदय यादव साहब की रोटेशन। भाइयों से सबसे पहले मेरा अनुरोध होगा कि अगर कोई हाथ पैर वाले तो आप अपनी इच्छा से हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों को बैठने दें और आपके कंधे खड़े हो जाए, ये हमारा अनुरोध है। जो दिव्यांग भाई बहने नहीं है वो कृपया खड़े हो जाए और जो हमारे भाई दिव्यांग हैं